कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोष तो, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं। वाह वाह। और जब लोग ये कहें कि भगवान राम नहीं थे, तो हमें आपको क्या करना चाहिए, मैं चार पंक्तियों में एक उपाय बताता हूं, और अंतिम पंक्ति में लगे कि मैंने सही जवाब दिया है राजनीति के लोगों को, तो आप सब हाथ उठें और आपका समर्थन मिले। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, कि कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम। यही एक फिर से पढ़ दीजिए, फिर से दोबारा कहने से मानने थोड़ी लगेंगे, लेकिन मैं पढ़ दे कह रहे हैं दोबारा कहने से कोई मरने थोड़ी लगेंगे ये। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना। और ज्यादा चेतना और मन आपका चाहता हूं, हमें श्रद्धेय हरिओम पंवार जी तक इसका यात्रा को पहुंचाना है, और वो ऐसे वो उसके स्वर है। क्या कह रहे हैं, हरिओम पंवार तक इस यात्रा को पहचाना, राम नाम सत्य है। क्या बात है जोगी जी, आप ये अन्याय यहाँ तो मत करो। नहीं जोगी जी तो ऐसा नहीं कर रहे थे, पर स्वामी जी हासरस के कवि होने लगे। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके। और जिन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी सरकार भी वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो लोग जब कहते हैं कि भगवान राम नहीं थे, तो मुझे क्या लगता है शुद्ध कविता में जवाब देता हूं, कि जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, कि जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें शाप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे, तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो मेरे। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, हम परमाणु करार की दहलीज पर हैं, अभी परमाणु करार हमने किया। मैं 2 महीने पिछले अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर था, चार पंक्तियां मैंने उस जमीन से उठाई। दुनिया का जब कोई अब आप समझोगे वहां आर्थिक मंदी क्यों आई। दुनिया का जब कोई दादा 100 करोड़ के हिंदुस्तान को आंख दिखाए, तो मैं चार पंक्तियां हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पढ़ता हूं। अगर आपको अंतिम पंक्ति में लग जाए कि मैंने 100 करोड़ का स्वाभिमान एक पंक्ति में भर दिया है, तो आप सबका संवेद स्वर में भरपूर समर्थन चाहता हूं। कि हम भोर का सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, हिंदुस्तान कहता है दुनिया से। कि हम भोर का सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, चढ़ कर के उतर जाएंगे वो जाम नहीं है। हम मिट नहीं सकते हैं, ये दुनिया को बता दो, हम राम हैं घनश्याम हैं सद्दाम नहीं हैं, हम राम हैं घनश्याम हैं सद्दाम। वाह सुनील बहुत अच्छा। हम राम हैं घनश्याम हैं सद्दाम। आखिर क्यों होते हैं बार बार देश में धमाके। पिछले 15 अगस्त के दिन मेरे जहन में एक विचार आया, मैं आपकी अदालत में रखता हूं, शायद आपको अंतिम पंक्ति में जवाब मिल जाए। कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है,
भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना हमारे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा क्या तो बात नहीं है, क्या है, बात है, क्या बात है। लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं। शायद कुछ दल हमने ऐसे हिंदुस्तान में बना दिए जिनके दिल में तिरंगा नहीं है, तब ये धमाके होते हैं। और जहां से आतंकवाद हमारे देश में आता है, मैं उस तरफ चेतावनी स्वरूप चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप संकेत समझ जाएं तो आप बताएं। और अंतिम पंक्ति क्रिकेट के रंग में रंगता हूं आपके आनंद के लिए कि 65 में पिट चुके थे 71 में रो दिए। अगर आप समझ जाएं तो मुझे भी बताते चले कि 65 में पिट चुके थे 71 में रो दिए, जो सर उठे थे हमने वो मिट्टी में बो दिए। सेना के लड़ाकू सभी करगिल में खो दिए, बाकी जो बच गए थे वो धोनी ने धो दिए, बाकी जो बच गए थे वो धोनी।